रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आखिरी मैच आ गया है, आखिरी इन द सेंस लीग फेज का आखिरी मैच। अभी इसके बाद कौन सी टीम खेलेगी फाइनल्स में सेमीफाइनल्स में वो देखने वाली बात है, उसका भी वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे उस पर भी। लेकिन आज पहले इस मैच की बात कर लेते हैं कि इस मैच का कॉन्सिक्वेंसेस और इम्पोर्टेंस क्या है, साथ ही में इस मैच में आपको टीम कैसी बनानी है, चाहे वो ड्रीम इलेवन के लिए ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग हो या हेड टू हेड हो, सबकी बात करेंगे। साथ में कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी पिक्स कैसे कर सकते हैं आप, वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। इस सारे विषय को समेशन करते हुए आपके लिए हम एक वीडियो लेके आए जिसमें सारा डिटेल्स रहेगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिए और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे उसमें। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट शेयर तो आप करेंगे ही, साथ में नोटिफिकेशन आइकन को बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो लाएं आपके लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस मैच की। ये है इंग्लैंड लेजेंड्स बनाम ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स, आखिरी मतलब 20वां मैच 27 सितंबर यानी कि कल शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा, और 7:30 बजे जो है मैच शुरू होने का टाइम है। आपके लिए क्रूशियल टाइम कितने बजे का है, 7 बजे, जब टॉस होगा। टॉस के बाद स्क्वाड में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि लेजेंड्स के सारे ही मैचेस में एक आध कुछ चेंजेस आते ही आते हैं, तो वैसे एक आध चेंजेस आ सकते हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए हमने उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया, हमारा ऐप है फैंटेसी गली का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि स्क्वाड में क्या अपडेट्स चल रहे हैं, क्या अपडेट्स आया है। और एक्जैक्टली 7:32 के अंदर आपको 7:02 के अंदर माफ कीजिएगा 7:02 के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन भी आएगा जो कहेगा भाई साहब फाइनल स्क्वाड अपडेट आ चुकी है, ये आपकी टीम है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी फाइनल टीम बना लीजिए। बाकी ये सारे पॉइंट्स तो हैं ही इस वीडियो में जो आपको सहूलियत देंगे इस मैच के वीडियो, इस मैच की टीम बनाने के लिए। और आपको इससे ज्यादा डिटेल्स चाहिए और भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स चाहिए, और जितने आप यहां पे तो आपको दो टीम मिलेगी, वहां पे आपको 50-60 टीम मिलेगी। कहां पे आप पूछेंगे, कहां पे, वहां पे मिलेगी कहां पे भाई, तो वहां पे आपको वेबसाइट पे, जी हाँ वेबसाइट हमारा है www.fantasygali.com, इस वेबसाइट पे आप जाइए, आपको बहुत सारा डिटेल्स मिलने वाला है, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लस 50-60 टीमें मिलेगी, ग्रैंड लीग सॉरी ड्रीम इलेवन के लिए 10 टीमें, माई इलेवन सर्कल के लिए 10 टीमें, हाला प्ले के लिए 10 टीमें, गेमजी के लिए 10 टीमें, ऐसे अलग अलग 10 टीमें असॉर्ट की हुई हर फैंटेसी साइट के लिए। तो आपको सहूलियत करने के लिए जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, आप बस चेकआउट करना मत भूलिएगा हमारे वेबसाइट को भी और ऐप को भी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये हमारे टॉप फैंटेसी पिक्स है, यानी कि ऐसे 4 पिक जो आपके अमूमन अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं 5 टीमें 10 टीमें, तो उसमें आप कॉमन नेम रख सकते हैं। ऐसे कौन से नेम है, इंग्लैंड की तरफ से एयन बेल, रिकी क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन वॉटसन, नेथन रियर्डन, ये आप 4 प्लेयर्स ट्राई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आप अपने हर टीम में जिसको आप बना रहे हैं, और उसमें आपको एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स तो दिलवाने का मादा रखते हैं ये 4 प्लेयर्स, आप तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा भी तो आपको टीम चाहिए होंगी, मतलब पूरे 11 प्लेयर्स भी चाहिए होंगे, साथ में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी पिच रिपोर्ट तब चाहिए ना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बाकी हम बातें करेंगे इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक कुमार केडिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां पे आज हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड लेजेंड्स बनाम ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स के मैच की, जिसकी हम बहुत सारी बातें करेंगे यहां पे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पिच एंड कंडीशंस। अब उसमें जो कंडीशंस वाला पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है इस सीरीज के लिए, क्योंकि यह सीरीज बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि बारिश क्या तहलका मचा सकती है। बारिश ने जितने भी डेस्टिनेशन थे, जितने भी पिचेस थे, जितने भी वेन्यूज थे, हर पिच पे तहलका मचाया है, और 50-70% मैचेस जो है रद्द करवाए हैं, उसके वजह से काफी मैचेस पे इंपैक्ट पड़े हैं, काफी टीम्स को पॉइंट्स का नुकसान झेलना पड़ा है। तो वैसे इफ्स एंड बट्स वाले बहुत सारे कॉम्बिनेशन, तो इस पिच पे भी, इस वेन्यू पे भी बारिश का प्रेडिक्शन है, बारिश प्रेडिक्टेड है ऑलमोस्ट 40-50% थ्रू आउट द मैच, तो शॉर्ट एंड मैच होने के चांसेस हैं काफी, तो इसलिए आप सतर्क रहें इस मैच के लिए कि अगर शॉर्ट एंड मैच हुआ तो। वैसे सारे फैक्टर्स कह रहे हैं बैटिंग सेकंड पिच ही होनी चाहिए, रायपुर का जो पिच है, रायपुर की ये ग्राउंड है, इसमें सारे ही फैक्टर्स कह रहे हैं बैटिंग सेकंड, क्योंकि रिसेंट का जो रिकॉर्ड्स है इस यहां पे एसमैट वगैरह का, तो उसमें भी बैटिंग सेकंड प्रेफर्ड ऑप्शन था। प्लस आपको हाई स्कोरिंग ग्राउंड हो सकता है ये, मतलब हाई स्कोरिंग ग्राउंड ट्रेडिशनली है, रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, आप हाई स्कोरिंग ग्राउंड मान के चलिए, और उस केस में भी बैटिंग सेकंड मोस्टली टीम प्रेफर करती है,
तीसरा, अगर ये मैच शॉर्ट एंड हुआ, मान लीजिए 8 ओवर, 10 ओवर या 15 ओवर का, तो उसमें 90% टाइम्स जो है डकवर्थ लुईस सिस्टम के हिसाब से बैटिंग सेकंड टीम को बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए जो भी टीम बैटिंग सेकंड करने वाली है उसके आप 6 या 7 खिलाड़ी चूज कर सकते हैं, वो आप अपना पहला फैंटेसी टिप समझ के रखिए और आप थॉट प्रोसेस में जरूर रखिएगा। बाकी वेदर यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री ह्यूमिडिटी है, 40% ह्यूमिडिटी है। अब इसके अलावा आपको परस्पिरेशन, जो बारिश आने के चांसेस है वो 50-70% थ्रू आउट द मैच है, तो उस केस में आपको वापस से वेदर रिपोर्ट देखनी पड़ेगी एक बार टॉस के आसपास। अब उसको आप जरूर चेक कीजिएगा और उसको चेक करना मत भूलिएगा, बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर से इस मैच के लिए। चलिए आप देख लेते हैं प्लेइंग 11 कैसी दिखती है इन दोनों टीमों की। तो उस जो लास्ट मैच खेली थी उससे ज्यादा चेंजेस तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट एकाध कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसमें। वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, क्या नहीं होंगे, वो हम देख लेते हैं। इंग्लैंड लेजेंड्स के 11 में डिमित्री मस्कानस, फिल मस्टर्ड, इयान बेल, रिकी क्लार्क, टीम एम्ब्रोस, जेम्स टिंडल, क्रिस कॉपिन, क्रिस ट्रेमलेट, स्टुअर्ट मीकर, स्टीफन पेरी और जे डर्नबैश, ये जो है आपकी 11 यहां पे खेल रही है। और इसमें मैं उतनी चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं इंग्लैंड के स्क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूं फिर भी, बट इंग्लैंड के स्क्वाड मेरे ख्याल से सेम स्क्वाड खेलेगी और इनको मतलब ये टूर्नामेंट को अच्छे हाई एंड पे एंड करना चाहेगी, तो नथिंग टू लूज है इनके लिए। तो फियरफुल होकर फियरलेस खेलेगी और चांसेस है कि काफी सारे प्लेयर्स आपको अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स दिलवा दें, तो वो सारे फैक्टर्स आप कंसिडर कर सकते हैं। और इनके बेहतरीन प्लेयर कौन से होंगे, टॉप 4-5 प्लेयर, वो हम डिस्कस करेंगे फैंटेसी 11 के टाइम पे। बट यहां पे आपके एवरेज फैंटेसी पॉइंट आप देख सकते हैं, पिछले 10 मैच का एवरेज फैंटेसी पॉइंट हमने असॉर्ट किया हुआ है आपके लिए और उसमें आपके कौन से टॉप प्लेयर्स होंगे वो तो हम डिस्कस करने वाले। बाकी ये लास्ट 5 जो है ये रन है, लास्ट 5 विकेट्स हैं, आप वो देख के थोड़ा सा आइडिया अपना स्ट्रेटेजी खुद बना सकते हैं। और अगर यहां पे आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है या फिर कुछ दिक्कतें हो रही देखने में, तो आपके लिए ये प्रेजेंटेशन फाइल जो है हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है, आप कमेंट सेक्शन में उस लिंक से डाउनलोड करके देख सकते हैं और फिर अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की 11 कैसी। ऑस्ट्रेलिया की 11 ये रही है आपकी, इसमें कुछ एक आध जैसे ब्रेट ली वापस आ सकते हैं खेलने के लिए, मे बी वो एक चेंज हो सकते हैं, और कुछ थोड़े मोड़े जो एक्सपेक्टेशन के विपरीत हो सकते हैं, इसीलिए आपको मैं वापस से आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको जैसे ही टॉस होगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो प्लीज चेक दैट आउट एज वेल। आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की 11 क्या हो सकती है आपके, शेन वॉटसन, एलेक्स डुलन, बेन डंग, कैलम फर्गुसन, नाथन रियर्डन, ब्रैड हेडन, ब्रेड होज, जेसन क्रेजा, चैड सेयर्स, डक नैनिस, ब्राइस मैगेन, ये आपकी 11 जो है ऑस्ट्रेलिया की ये खेल सकती है। अब इसमें एक आध कुछ चेंजेस हुए तो आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, ये हम आपके आपको प्रॉमिस करते हैं। तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। फैंटेसी गेमिंग, फैंटेसी गली आपका फैंटेसी गेमिंग का वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन है फॉर एवरीथिंग। सो इसलिए आप प्लीज वेबसाइट और ऐप दोनों को आप डाउनलोड कर लीजिए, मतलब चेकआउट कर लीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, प्लीज डू चेक देम आउट। अब ये तो हो गए दोनों की स्क्वाड्स 11 प्लेयर्स की बात, इसके आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ बढ़ेंगे, तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। जी हाँ, अब टीम तो हम बनाएंगे टीम कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स, लेकिन उससे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, अगर आपने बहुत अच्छी टीम बना ली है लेकिन गलत कॉन्टेस्ट में खेल रहे हैं, गलत लीग में खेल रहे हैं, तो आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप सही लीग चुने, सही कॉन्टेस्ट खेलें अपने बजट के अनुसार, अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार। अब वो कौन से हो सकते हैं, आप लो टू मीडियम खेलिए, हेड टू हेड स्मॉल लीग में ज्यादा खेलिए, यानी अगर 20 लीग्स में खेल रहे हैं, 20 कॉन्टेस्ट में खेल रहे हैं आप, तो 18-17 जो कॉन्टेस्ट है आप स्मॉल लीग हेड टू हेड में लगाइए। बाकी 2-3 आप ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में अपना लक आजमा सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्टैट्स एक हद तक काम करते हैं, उसके बाद आपकी लक फैक्टर आपकी स्ट्रैटेजी काम करती है। अब सिंपल सा इसका रीजन है मैथ्स, यानी प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि ग्रैंड लीग में आपके जीतने के परसेंटेज है 0.001% और स्मॉल लीग हेड टू हेड में जीतने का परसेंटेज है आपका 50-70%। तो आप सिंपल सा कैलकुलेशन कीजिएगा, अगर 50-70% है तो 20 टीम में अगर आपकी 70% के हिसाब से अगर 14 टीम जीतती है तो आपकी बैलेंस शीट जो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। इसलिए आप ये थॉट प्रोसेस, ये स्ट्रैटेजी ट्राई करें, बाकी तो आपको जो कॉन्टेस्ट सूटेबल लगता है वो आप खेल सकते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, प्लेस सेफली, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सारे पैसे जीते, बट अब चलते हैं मेन पार्ट की तरफ जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए। अब एक टीम मैं डिस्कस करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रही कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है
तो प्लीज लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब ये आर फैंटेसी 11 में स्मॉल लीग हेड टू हेड की टीम है, विकेट कीपर्स में फिल मस्टर बेन डंक, ये आपके दो ऑप्शन है। अब आप पूछेंगे ब्रेड हेडन क्यों नहीं, बेन डंक क्यों है? बेन डंक का दो फायदा है, एक तो ये विकेट कीपिंग कर रहे हैं फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के लिए, ब्रेड इन नहीं कर रहे हैं, बेन डंक कर रहे थे, और दूसरा फायदा ये कि ये नंबर थ्री पे बैटिंग करने आएंगे, तो ब्रेड हेडन नंबर सात छह सात पे आते हैं, तो वहां तक बैटिंग आएगी नहीं आएगी, तो आपको दोनों ही तरीके से बेन डंक एक बेहतर ऑप्शन दिखाई देते हैं, सेफर ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं एज विकेट कीपर चॉइसेस। बाकी बैटर्स में नेथन रियर्डन, कैलम फर्गुसन, इयान बेल और एलेक्स ड्यूरन, ये चारों बैटर्स जो फिलहाल ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं, तो आप इन चारों को ट्राई कर सकते हैं अपने 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 टीम में, और इनके अलावा कुछ ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद बना सकते हैं, आपको सारे स्टैट्स दे दिए हैं दोनों टीम के प्लेइंग 11 के, आपको स्टैट्स यूज करके सारे डिटेल्स निकाल के आप चेकआउट कर सकते हैं किसको टीम में रखना किसको नहीं रखना, बट हमारे हिसाब से आप इस चारों को ट्राई कर सकते हैं। हाँ, एकाध कुछ चेंजेस कर लीजिएगा, सेम टीम कॉपी मत कीजिएगा। ऑलराउंडर्स में शेन वॉटसन और रिकी क्लार्क, इसमें तो कोई दोहरा ही होना नहीं चाहिए, ये दोनों जो फिलहाल इन दोनों टीम के बेस्ट बेस्ट फैंटेसी प्लेयर्स फैंटेसी के हिसाब से प्लेयर्स हैं, फैंटेसी पॉइंट्स आपको मैक्सिमम ये दोनों दे रहे हैं आपको, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और रिकी क्लार्क इंग्लैंड की तरफ से, ये दोनों आपके फैंटेसी टीम में जो है रहने ही चाहिए, ये मतलब जिस हिसाब से इनका रिकॉर्ड चला रहा है उसके हिसाब से, जिस हिसाब से इनका फॉर्म है उसके हिसाब से। बाकी बॉलर्स में स्टीफन पेरी, ब्रायस मिकगेन और डर्क नेलिस, ये आपके तीन जो है बॉलर्स रह सकते हैं इस मैच के लिए खास तौर से, और इस ग्राउंड पे थोड़ा एक, अगर जो टीम बैटिंग सेकेंड कर रही हो उसके आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर को चूज कर, सॉरी बॉलिंग सेकेंड कर रही हो उसके आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर को चूज कर सकते हो, क्योंकि बॉलिंग सेकेंड में अगर बारिश का उतना इंपैक्ट नहीं गिरा तो, ये सारे कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर बारिश का उतना इंपैक्ट नहीं गिरा तो, अगर बारिश गिरती है तो फिर सारे आप स्पिनर्स को जो है थोड़ा सा आप साइड में रखें और पेसर्स को ले लें टीम में। अगर बारिश नहीं होती है, पिच पूरा 20 ओवर का मैच होता है, तो सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग कर रही है टीम, उसके आप एकाध स्पिनर्स को ट्राई कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्पिनर्स को, तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिए, ये सब आपके लिए फैंटेसी टिप्स हैं इस मैच के लिए। चलिए, ये तो हो गई स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए, होपफुली आपको ये टीम पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की, जिसके लिए बहुत सारे यूजर्स ने हमें सजेस्ट भी किया और रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज ग्रैंड लीग की टीम बनाइए अलग से, हम देखना चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसी बन सकती है, तो आपके लिए स्ट्रैटेजी लेके आए यहाँ पे विकेट कीपर्स और फील्ड मास्टर ब्रैड हेडन। अब ये चांसेस भी हैं क्योंकि बारिश होगी तो हल्का स्विंग सी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो फटाफट कुछ विकेट गिर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के, चाहे वो बैटिंग सेकंड हो या बैटिंग बैटिंग फर्स्ट हो, तो उस केस में अगर फटाफट दो तीन विकेट गिर गए तो कौन संभालने के लिए, उनका एक स्तंभ जो है वो ब्रैड हेडन है। अब ये ब्रैड हेडन यहाँ पे इसलिए आ गए, तो आपको ये थोड़ा रिस्कियर ऑप्शन है, ये इफ्स एंड बट्स पे चल रहा है, थोड़ा रिस्कियर ऑप्शन है, ग्रैंड लीग में आप अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आपको रिवॉर्ड उतना हाई नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा रिस्कियर ऑप्शन आपके लिए ब्रैड हेडन बनते हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बैटर्स में नेथन रियर्डन, इयान बेल और एलेक्स ड्यूरन, ये आपके तीन बैटर्स हो गए। बाकी ऑलराउंडर में ये दोनों तो फिक्स हैं ही आपके। बॉलर्स में मैंने यहाँ पे एडिशन किया है, आप वो एडिशन आप पूछेंगे आप चार बॉलर्स क्यों, आपने कहा बैटिंग पिच है, बैटिंग पिच में चार बॉलर्स क्यों, तो यहाँ पे सिंपल सा थॉट प्रोसेस, सिंपल सी स्ट्रेटेजी ये है, बैटिंग फ्रेंडली पिच तो है लेकिन बैटिंग फ्रेंडली पिच जितनी भी होती है, हाई स्कोरिंग पिचेस जितनी भी होती है, उसमें 90% ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम रन है, जो मैक्सिमम कोटा रन है, वो टॉप टू टॉप थ्री बना लेते हैं, उसके बाद किसी को मौका नहीं मिलता। बाकी जब चेजिंग की बारी आती है वहां पे विकेट्स गिर सकते हैं डेथ ओवर्स में, और बैटिंग फर्स्ट जो टीम कर रही है उसके भी डेथ ओवर्स में जो है विकेट्स गिर सकते हैं मारने के फास्ट स्कोरिंग के चक्कर में, तब वहां पे आपके बॉलर्स जो है काम आते हैं, जो आपको दो तीन विकेट फटाफट निकाल के दे सकते हैं, उस कंडीशन में आपके लिए जो बॉलर्स हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहते हैं फैंटेसी पॉइंट्स के नजरिए से। भले गेम के पर्सपेक्टिव से आपको उतना सीरियस ना लगा हो, बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना काफी क्रूशियल होते हैं आपको फैंटेसी गेमिंग में, तो आप फैंटेसी पॉइंट्स के नजरिए से सोचिए, आप ये प्लेयर्स का प्रोफाइल, प्लेयर का नाम, प्लेयर का होता ये सब मत देखिए, आप फैंटेसी के नजरिए सोचिए किस मैच किस सिचुएशन में आपको कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दे सकता है, कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे सकता है। तो चाहे बैटिंग पिच हो या फिर जो भी पिच हो, बैटिंग अगर पैराडाइज पिच है तो वहां पे डेथ ओवर्स में विकेट्स नॉर्मली गिरते हैं, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट में हो चाहे बैटिंग सेकंड में हो, तो वहां पे आपको ऐसे बॉलर्स काम आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने चार बॉलर्स लिए हैं। आपको यहाँ पे जो भी टीम कर रही होगी उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो मैंने कहा कि फास्ट बॉलर्स या स्पिन बॉलर्स का वो आप ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी आप ग्रैंड लीग की टीम है, आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स कौन से आपके, तो पहले स्मॉल लीग हेड टू हेड देखते हैं, स्मॉल लीग हेड टू हेड में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स है नेथन रियर्डन, इयान बेल,
शेन वाटसन रिकी क्लार्क, ये चार के स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। बाकी ग्रैंड लीग के लिए आपके कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स हैं एलेक्स डूलन, स्टीफन पेरिक, और ये दोनों कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ये दोनों के ऊपर ओवरलुक करना थोड़ा सा मुश्किल है इस मैच के लिए, क्योंकि ये इनका फॉर्म बहुत शानदार है और ये मेन स्टेज है अपने टीम के लिए, इसलिए कुछ इनके अगेंस्ट देख भी नहीं सकते हम। तो इसलिए आपके ये दो फिक्स है, आप अगर थोड़े स्कियर ऑप्शन ट्राई करना है तो रिस्कियर ऑप्शन आपके लिए एलेक्स डूलन और स्टीफन पेरी, और एक तरह से ब्रायस मैकगेन को भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर थोड़ा और मतलब हाई रिस्क लेना चाहते हैं, तो ब्रायस मैकगेन भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन बनते हैं। तो ये तीन चार प्लेयर जो है आप ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, आप अपने हिसाब से अपनी टीम में ट्राई कीजिए, मल्टीपल टीम्स बनाकर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए, होपफुली जब आप इस मैच के लिए टीम बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा हो, आपकी बहुत विनिंग्स हो, उसके लिए ऑलरेडी ऑल द बेस्ट। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, अब लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज www.fantasygrenade.com को चेकआउट करना मत भूलिएगा, आपको काफी बेनिफिट्स होंगे उस वेबसाइट पे जाने का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ में ऐप है हमारा, ऐप को भी चेकआउट करना मत भूलिए, आपको बहुत फायदे होने वाले, सब कुछ फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, प्लस नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिल जाएंगे, तो प्लीज चेक दैट आउट एज वेल। ये वेबसाइट और ऐप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ में हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए, खास तौर से टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के पहला लिंक जो है वो टेलीग्राम का ही दिया हुआ है, वहां पे हम रेगुलर अपडेट्स डालते हैं, डेली अपडेट्स आपको मिल जाएंगे कि कौन से प्लेयर्स को आप प्रैक्टिकली सिलेक्ट कर सकते हैं पिच के हिसाब से, या फिर आपको कौन से प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, वो सब हम अपडेट कर देंगे। तो प्लीज आप चेकआउट करना मत भूलिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक पहला ही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक दैट आउट एज वेल। चलिए यहाँ पे हम वीडियो का समापन करते हैं, हम मिलेंगे अगली बार, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।